हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू नी हर, माय नेम इज़ भावना मेहर मेहरा। आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। एंड अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से फटाफट जाके वो वीडियो देख लीजिए, और जिसमें मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है फुल मेकअप, जो भी लीना बुशन का एक्सपायर मेकअप लुक था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, फर्स्ट वीडियो होने वाली है जो हमारे मेकअप सेशन में, जो मेकअप कोर्स होने वाला है हमारा, फ्री ऑनलाइन मेकअप कोर्स स्टार्ट होने वाला है। जो फर्स्ट वीडियो हमारी है मेकअप स्किन केयर से रिलेटेड वीडियो, जो मेकअप में सबसे पहले हमारा स्किन केयर क्यों ज़रूरी होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसके बाद हमारा होगा डेमो सेशन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज उससे ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले मेकअप में जो हमारा स्किन केयर होता है वो मेन होता है। गाइज, आप हमें, आपके लिए मेकअप क्या चीज़ है तो वो मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए। बिल्कुल मैं अपना मेकअप का अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ मेरे लिए मेकअप क्या है। अगर बात की जाए मेकअप एक दो साल पहले मेरे लिए क्या था, सिर्फ लिपस्टिक लगाना एंड काजल एंड ऑल, इतना ही मेरे लिए मेकअप था। तो गाइज, आज के टाइम में सिर्फ फाउंडेशन लगाना ही मेकअप नहीं है, मेकअप में मेकअप को सही तरह से स्टेप बाय स्टेप अप करना, एंड आप जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप लगती है मेकअप के बाद। में इससे क्या होता है, ब्यूटी जो हमारी है एनहांस, जो ब्यूटी होती है वो हमारी ब्यूटी जो है अंदर की एनहांस होती है, हमारे को एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो ये है मेकअप। तो मेकअप सिर्फ फाउंडेशन लगाना ही नहीं है, मेकअप को स्टेप बाय स्टेप करना, एंड जो भी फ्लोज है हम फेस पे उसको हाइड करना है, हमारी जो अंदर की ब्यूटी है वो एनहांस करना ही मेकअप आर्ट है। आप डॉक्टर के पास जाते हो और आप ये बोलते हो उनसे कि आपको दवाई चाहिए, आपको अभी ये बीमारी हो रही है, और डॉक्टर सीधा आपको डायरेक्ट दवाई दे देता है, तो ऐसा नहीं होता। वो सबसे पहले आपसे ही पूछता है ना कि आपको प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी दवाई देता है। तो ऐसे ही मेकअप में है, आप मेकअप करने जा रहे हो, कहीं करवा रहे हो, खुद का ही सेल्फ मेकअप कर रहे हो, तो आप सीधा ही अपने डायरेक्ट मुँह पर कोई भी उठा के फटाफट फाउंडेशन लगा लिया, देन और लिपस्टिक लगा ली कोई भी, तो ऐसा नहीं होता है गाइस, बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी स्किन के रिक्वायर्ड ही आपको आपका फाउंडेशन लगाना पड़ता है, लिपस्टिक लगाती है और लगानी पड़ती है, एंड ऑल आपकी जो मेकअप फ्लोज है उनको हाइड करना होता है, तभी आपकी जो ब्यूटी है वो एनहांस होती है। तो मैं इतना बोलूँगी तो आपको इस वीडियो में बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो हम थ्योरी क्लास करने वाले हैं आज, उसके बाद हम करेंगे डेमोंस्ट्रेशन। तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना और सेव करना तो बिल्कुल मत भूलना गाइस। स्किन टाइप, स्किन कंडीशन, स्किन प्रेप स्टेप्स, मैं आपको बताऊंगी स्किन टाइप क्या होता है, स्किन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे को कैसे कैसे अपना प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए, स्किन प्रिपरेशन स्टेप बताऊंगी इसके अंदर, और स्किन टाइप्स जो होता है, स्किन टाइप्स और स्किन कंडीशन, हमारे को स्किन केयर क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे को पीएच लेवल को बैलेंस करने के लिए, जो हमारे स्किन में पीएच लेवल होता है उसको बैलेंस करने के लिए हमारे को स्किन प्रेप करना चाहिए, जो होता है सीडीएम, क्लिंजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर। तो हमारे को स्किन पीएच बैलेंस को करने के लिए हमारे को मॉइस्चराइजर, हाइड्रेशन फुल, और मेकअप को एप्लीकेशन में स्मूथ बनाता है। साथ ही साथ जो है स्किन केयर करने के लिए हमारी स्किन को मेकअप एप्लीकेशन करने में मदद करता है, स्मूथ बनाता है, जिससे हमारा जो मेकअप है वो स्मूथ बनता है, हमारा ब्लेंड होता है, पैची नहीं होता है स्किन केयर करने से, प्रेपरेशन करने से। तो स्किन को प्रेप करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मेकअप के अंदर। सबसे पहले आपको स्किन प्रेप करना है, तभी आपका जो बेस मेकअप है वो उसकी एप्लीकेशन स्मूथ आएगी, ठीक है। उसके बाद है हमारा टोटल 4 स्किन टाइप, जो है इंडियंस की 4 स्किन टाइप्स होती है, जो होती है, एंड सबसे पहले होती है हमारी नॉर्मल स्किन टाइप, ऑयली और ड्राई, और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। तो नॉर्मल स्किन टाइप में क्या होता है, हमारी जो स्किन है वो स्मूथ होती है, क्लियर होती है, और स्किन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो होती है वो ब्रेकआउट्स नहीं होते, ओपन पोर्ट्स नहीं होते, नॉर्मल होती है। और ये जो नॉर्मल जो स्किन टाइप होती है वो मेकअप करने में उनको लोगों को आसानी होती है, ये मेकअप प्रोडक्ट इन एज ही स्किन पर ज़्यादातर वर्क करते हैं, और आसानी से स्मूथली एप्लीकेशन होती है ऐसे स्किन के ऊपर, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ब्रेकआउट्स होते हैं। इसमें वाटर और जो ऑयल का कंसिस्टेंस है वो इक्वल रहता है। सबसे पहले सेंसिटिव स्किन जो है हमारी,
सेंसिटिव स्किन कोई भी स्किन टाइप नहीं होता है, ये सिर्फ ऑयली और वाटर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्किन में ऑयल ज़्यादा है या वाटर की कंसिस्टेंसी। ऐसे ही हमारा ऑयली स्किन के लिए जो फ्लेकी होती है, ग्रे होती है, स्वेट प्रूफ होती है और पोर फिलिंग होता है, हमारा ओपन पोर ज़्यादा होता है, पिंपल होते हैं, ऐसी स्किन होती है जो ऑयली कॉम्बिनेशन होती है। ड्राई स्किन में हमारा होता है ड्राइनेस ज़्यादा होती है। स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको स्किन प्रेप कैसे करना है, तो ये हमारी है 5 स्किन टाइप्स जो है ऑयली कॉम्बिनेशन नॉर्मल ड्राई सेंसिटिव स्किन टाइप्स। तो उसके बाद आपको ऑयली स्किन जो स्किन प्रेपरेशन हमारे जनरली करना होता है, क्लिनजिंग करनी होती है हमारा, फिर होते स्क्रब होता है, फिर पैक होता है। तो स्क्रब और पैक हमारे को तभी करना होता है जब आपको ब्राइडल हो रहा होता है। अब रोज़ रोज़ तो आप मेकअप कर रहे हो, स्क्रब कर रहे हो, पैक लगा रहे हो, वो चीज़ आप नहीं कर सकते। तो एक दिन पहले या दो दिन या वन वीक पहले आप स्क्रब और पैक लगाओगे जब आपका ब्राइडल हो रहा है या फिर आपका स्पेशल ओकेजन है तब आप करोगे, वरना इसको स्किप कर दोगे अपना जो स्क्रब और पैक को। सीधा ही जब आप मेकअप कर रहे हो उसके बाद क्लिनजिंग के बाद आप क्लिनजिंग में आप कर सकते हो, वेड वाइब्स ले सकते हो। वेड वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पे, मैं शो कर दूँगी वेड वाइब्स या लिंक कमेंट कर दूँगी, लिंक में दे दूँगी वेड वाइब्स को। क्लिनजिंग हम क्या किससे कर सकते हैं, या फिर हम क्लिनजिंग फेस वॉश से कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं वेड वाइप से, सीधा वेड वाइप निकाला और पोछा और साफ़ करा। उसके बाद हमारा मेकअप में होता है टोनिंग। टोनिंग जो होता है हमारा, यूजली जो हमारा स्किन टाइप है ऑयली कॉम्बिनेशन नॉर्मल और सेंसिटिव, हमारे को सिर्फ 3 ही जो स्किन टाइप है उसको हमारे को टोनिंग करना होता है, ऑयली कॉम्बिनेशन और नॉर्मल। ड्राई स्किन को हमको इसलिए नहीं करना होता कि और टोनर जो होता है वो और ड्राई कर देता है स्किन को, इसलिए हमारे को टोनिंग हमारे को करना है स्किप, मतलब ड्राई स्किन को टोनर नहीं लगाना है, ये तीनों ही स्किन को हम टोनर लगाना है सेकेंड स्टेप। उसके बाद हमारे को करना है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र हमारे को लगाना है, ये सारी स्किन टाइप पे आपका मॉइस्चराइज़र जाएगा, ऑयली कॉम्बिनेशन नॉर्मल ड्राई स्किन सारी स्किन पे आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। कुछ लोगों को लगता है हमारा ऑयल आता है, स्वेट आता है, पसीना आता है, तो हम अपनी ऑयली स्किन वाले सोचते हैं कि हम मॉइस्चराइज़र ना लगाएं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आपको चाहे आपकी कोई भी स्किन टाइप हो, सेंसिटिव से लेकर ऑयली कॉम्बिनेशन नॉर्मल ड्राई, ये 4 ही 5 ही स्किन टाइप में हो, आपको मॉइस्चराइज़र लगाना ही लगाना है। उसके बाद हमारा है प्राइमर। प्राइमर में आपको अपना देखना है ये सारी स्किन टाइप पर हमारा प्राइमर जाएगा। सबसे पहले हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन पे पोर फिलिंग या फिर जेल टेक्सचर के प्राइमर्स आते हैं, स्पेशली ऑयली और कॉम्बिनेशन, क्योंकि इनका जो है ऑयल ज़्यादा रिलीज होता है ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप पे। नॉर्मल में हम हाइड्रेशन वाला ले सकते हैं, वेदर के अकॉर्डिंग जो होता है हमारा स्किन टाइप चेंज होता है नॉर्मल में। उसके बाद हमारा ड्राई स्किन में हम मॉइस्चराइज़र जो लेंगे, मतलब प्राइमर जो लेंगे और मॉइस्चराइज़र लेंगे, वो दोनों ही हाइड्रेशन वाला प्राइमर लेंगे, क्योंकि हमारे स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करानी होती है। ड्राई स्किन काफ़ी होती है जब फ्लेक्स निकल रहे होते हैं, ड्राइनेस होती है, वाइट वाइट जो पपड़ी निकल रही होती है वो ड्राई स्किन होती है। तो हमारा हाइड्रेशन के लिए मॉइस्चराइज़र हाइड्रेटिंग वाला और प्राइमर दोनों ही हमारे को हाइड्रेशन चाहिए सिर्फ ड्राई स्किन के लिए, बाकी इन स्किन टाइप के लिए अलग अलग प्राइमर हमारे को लगेंगे। उसके बाद हमारा आता है कलर करेक्शन और फिर आता है हमारा फाउंडेशन, इसको हम बताएंगे हमारे पार्ट 2 में।